हेलो गाइस एक तो आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि पांच वीडियो के अंदर नेशनल इनकम को खत्म कर दूंगा और दूसरा प्रॉमिस किया हुआ है कि पंद्रह वीडियो के अंदर टर्म टू ट्वेल्थ क्लास का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा इंडियन ई को खत्म हो चुकी है नेशनल इनकम की चार वीडियो आपको पहले मिल चुकी है और मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक लेकर आया हूं नेशनल इनकम की पांचवी वीडियो जिसके अंदर जितने भी थियोरिटिकल आस्पेक्ट्स नेशनल इनकम के रह गए थे वो सारे इस वीडियो के अंदर करा दूंगा तो इंपॉर्टेंट रहेगी ये वीडियो जो लोग ये कहते हैं कि मेरा नेशनल इनकम की थियरी में हाथ थोड़ा तंग है वो अपने आप को यहां स्ट्रॉन्ग बना लो तो शुरुआत करेंगे गाइस दो है इनकम के बारे में बात की गई है एक और एक ट्रांसफर इनकम इनकम और फैक्टर मैं बोलूंगा आप समझोगे ज्यादा स्क्रीन पे जब देखने की जरूरत पड़ेगी मैं बोल दूंगा कि स्क्रीन ले लो जो भी आप वीडियो देख रहे हो उसमें स्लाइड का तो सबसे पहले बताऊं इनकम को इस वाले चैप्टर में दो पार्ट में डिवाइड किया है एक होती है दोस्तों फ्री की इनकम जैसे कि गिफ्ट स्कॉलरशिप या पेरेंट्स देते हैं पॉकेट मनी इसको कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती एक होती है ऐसी इनकम जिसको अर्न करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है जैसे कि किसी के पास लेबर की तरह काम करने पे वेजेस मिलती हैं किसी को अगर मैं कुछ पैसे उधार दूंगा तो वो मुझे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा उसके बदले एक कंपनी या बिजनेस खोला जाएगा तो उसके बदले प्रॉफिट मिलेगा ऐसी वाली इनकम के लिए मुझे कुछ प्रोवाइड करना पड़ रहा है ठीक है और ऐसी वाली जो गिफ्ट वाली इनकम थी या डोनेशन या चैरिटी वाली इनकम थी इसके लिए मुझे कुछ प्रोवाइड नहीं करना पड़ रहा है ये सीधे पैसे मुझे मिल रहे हैं तो ये इनकम फ्री वाली इनकम को ट्रांसफर इनकम बोलते हैं और जिसके बदले कुछ दिया है उसको फैक्टर इनकम बोलते हैं और अगर डिफाइन करने के लिए आ गया इकोनॉमिक्स में तो हमें डिफाइन ऐसे करना है कि ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जिसके बदले कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड नहीं किया जाता और फैक्टर इनकम वो इनकम होती है

इंटरेस्ट uh, भी मिलता है जब हम कोई कैपिटल वगैरह प्रोवाइड करते हैं पैसा किसी को प्रोवाइड करते हैं तो दीज आर बेसिक ऑफ फैक्टर इनकम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स अगली स्लाइड के अंदर है इस वाली स्लाइड के अंदर बेसिक मैं आपको बताना चाहता हूं ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम के बीच का डिफरेंस टर्म टू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई भी तीन डिफरेंस याद कर लो इससे ऊपर याद करने की जरूरत नहीं है आपको समझा देता हूं तो पहले लिखा है इज द इनकम ऑपटे विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फैक्टर इनपुट फैक्टर इनपुट बोलो या फैक्टर किया जाता है मतलब मिलना और एक word है अर्न। अर्न का मतलब कमाना। मिलने और कमाने में फर्क है। मिला तो मतलब दे दिया बस किसी ने और कमाने का मतलब पहले मैंने कुछ दिया फिर सामने वाले ने मुझे कुछ प्रोवाइड किया तो इसकी अर्निंग कॉन्सेप्ट है ओके दोस्तों ट्रांसफर इनकम में सिर्फ मिलता मिलता है हम बदले में कुछ नहीं देते इसलिए इसको वन साइडेड इनकम बोलते हैं और फैक्टर इनकम में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तब इनकम आ रही है तो उसको टू साइडेड कॉन्सेप्ट में जो चीज वन साइडेड होती है उसको बोलते हैं और जो चीज टू साइडेड होती है उसको बोलते हैं फिर ट्रांसफर इनकम इनकम है फैक्टर इनकम अर्न वाली है मतलब कमा रखे हैं पैसे और अभी नेशनल इनकम में वो वाले कॉन्सेप्ट करेंगे कि कौन सी चीज को नेशनल इनकम में एड करते हैं या डोमेस्टिक इनकम में एड करते हैं और किसको नहीं करते तो बेसिकली ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में ऐड नहीं किया जाता अगर ट्रांसफर इनकम इनकम इंक्लूड हो जाएगी तो नेशनल की वैल्यू गलत आ जाएगी क्योंकि आखिरकार ये वही पैसे हैं जो फैक्टर इनकम के तौर पर अर्न किए गए थे बट वो ऐसे ही किसी को प्रोवाइड कर दिए गए जैसे कि आपके पेरेंट्स मानो एक लाख रुपए की अर्निंग करते हैं महीने में उसमें से आपको उन्होंने एक हजार दे दिया तो उनकी अर्निंग एक लाख रुपए और आपकी अर्निंग एक हजार है दोनों को ऐड करके एक लाख एक हजार आ जाएगा जो कि फैमिली की अर्निंग गलत हो जाएगी फैमिली की अर्निंग तो लाख रुपए ही है काउंटिंग से, से माइनस होगा तो ट्रांसफर इनकम का नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के अंदर कोई वजूद होता नहीं है ठीक है फैक्टर इनकम को हमेशा कैलकुलेट करते हैं तो इट इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम गाइस ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो मैं सामने से हट जाता हूं ठीक है फिर आएंगे इसके एग्जाम्पल्स पे एग्जाम में ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आपको गिवन हो सकते हैं और बोलेगा इसमें से आइडेंटिफाई करके बताओ कौन सा ट्रांसफर इनकम है और कौन सा फैक्टर इनकम है यहां पर नो एग्जाम्पल दिए हुए हैं और ये सारे के सारे वो एग्जाम्पल है जो पहले सीबीएसई के पेपर में आ चुके हैं और सीबीएसई में बेसिकली ये चीजें रिपीट ही होती रहती है तो क्या रिपीटेशन का मामला है तो मैं आपको बता रहा हूं एक एक एग्जाम्पल के बारे में कि कौन सा ट्रांसफर है और कौन सा फैक्टर है सबसे पहले लिखा है मनी रिसीव्ड बाय पेरेंट्स फ्रॉम देयर सन वर्किंग अब्रूड सन हो या डॉटर हो वो विदेश में काम करने के लिए चले गए हैं आप अपने पेरेंट्स को पैसे भेज रहे हैं जैसे आपके पेरेंट आपको पॉकेट मनी देते हैं ऐसे यहां पर हो रहा है, तो है विक्टिम्स तो या कोरोना विक्टिम्स को जो सरकार पैसे दे रही है फ्री में वो ट्रांसफर इनकम है जिनको ये पैसे मिले हैं उन लोगों ने बदले में कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं दिया प्राइस वॉर्न इन अ लॉटरी अगेन ट्रांसफर बोनस तो एंप्लॉईज को मिलता है हर एक बंदे को बोनस नहीं मिलता जो एम्प्लॉय होते हैं उसको मिलता है तो एम्प्लॉय नौकरी करता है तो ये फैक्टर इनकम है पेंशन और अगला लिखा है ओल्ड एज पेंशन दोनों में फर्क है पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलती है ये फैक्टर इनकम है नौकरी करने का ही एक पार्ट है ओल्ड एज पेंशन गवर्नमेंट दे देती है फ्री में और सीनियर सिटीजन को भी दे सकती है या कुछ पर्पज होता है जो दिव्यांग लोग होते हैं तो उनको दे सकती है तो उसके बदले कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड नहीं किया गया अगेन ये है गिफ्ट तो वैसे होता है, लेकिन यहां लिखा है, गिफ्ट अम्प्लौयर। अम्प्लौयर मतलब मालिक तो यानी या को गिफ्ट दे वो कमाया हुआ गिफ्ट है वो फ्री का गिफ्ट नहीं है तो ये गाइस फैक्टर इनकम की कैटेगरी में आ जाएगा तो आगे लिखा है क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी बाय एन इंजर्ड वर्कर कंपनी का बंदा एक इंजर्ड हो गया इंजर्ड होने के बाद

ये सिर्फ उनको ही मिलते हैं जो काम कर रहे हैं तो ये फैक्टर इनकम है तो ये आपके सामने टी और एफ करके लिखे हैं आप एक काम कीजिएगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको एग्जांपल्स अच्छे से लर्न हो जाए ये भी इंपॉर्टेंट है स्क्रीन का मैं सामने से हटता हूं ताकि आपके खुद के भी नोट्स साथ के साथ प्रिपेयर होते रहे ये था हमारा टॉपिक नंबर वन ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम के बीच का अंतर विद एक्साम्पल्स मैंने यहां खाली छोड़ी थी कॉलम आप यहां पर एक्साम्पल्स भर सकते हो यहां से उठा के जो भी एग्जाम्पल है और सीबीएसई ओरिएंटेड है एग्जाम में आने की आपको पॉसिबिलिटीज दर्शाते हैं अगला कॉन्सेप्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम अंडर टू सेक्टर इकॉनॉमी दो सेक्टर इकॉनॉमी का ये तीन सेक्टर सेक्टर और फोर सेक्टर का सर्कुलर फ्लो कोर्स में नहीं है हालांकि क्या बोलता है ये ये बोलता है हाउस होल्ड सेक्टर को मैं एच लिखूंगा हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब नॉर्मल पब्लिक है हम लोग फैमिलीज हैं हाउस होल्ड है ठीक है ठीके? और एक होता है दोस्तों फर्म सेक्टर यानी यहां पर दुकानें कंपनीज वगैरह आ गई है इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है वो दिखा दो यही सर्कुलर फ्लो है एक आसान सा दिमाग के अंदर हो गई। बस उस को पेज पे उतारना है एफ ओपी मैंने शॉर्ट में लिख दिया आप लिखना। जैसे कि लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप आप इसकी फुल फॉर्म लिख लेना कैपिटल को मैंने के जानबूझकर लिखा है सी से नहीं डिनोट करते बुक्स में क्योंकि सी से कंजपशन डिनोट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो कहता है मैंने तुझे तेरे पास जो जमीन है वो पब्लिक की है तेरे पास जो पैसे हैं वो पब्लिक के हैं तेरे पास जो बंदे काम कर रहे हैं वो पब्लिक के हैं और तू कंपनी जो है वो भी तो पब्लिक में से फैमिली में से किसी की है कोई ना कोई तो तेरा मालिक है तो ये चारों चीजें हाउस होल्ड ने इसको प्रोवाइड की तो फर्म कहता है ऐसा कोई एहसान नहीं कर दिया बदले में मैंने तुझे बहुत कुछ दिया है अगर तूने मुझे लैंड दी है तो मैंने तुझे उसके बदले रेंट दिया है तूने लेबर की तरह काम किया है तो तेरे को वेजेस मिली है अगर तूने कैपिटल दी है तो बदले में मैंने इंटरेस्ट प्रोवाइड किया है और अगर मेरे पास तेरी यानी मैं तेरी तेरी हूं यानी फर्म बोलती है है अगर मेरे ऊपर तो मैं बदले में तुझे प्रॉफिट भी देती हूं तो कुल मिलाकर हाउस होल्ड के पास जा रही है फर्म पे कर रही है तो फर्म बोल देती है कि मैंने तुझे फैक्टर पेमेंट की है जो तेरी फैक्टर इनकम बन गई है तो दोस्तों ये रिलेशन है ये सर्कुलर फ्लो तो है ये सर्कुलर फ्लो चल रहा है अब इस बीच में हाउस होल्ड का जिम्मा पूरा हो गया फर्म कहती है तूने मुझ पे एहसान दिखाया अब मैं बताती हूं फर्म कहती है देख मैंने तुझे दिया मैंने तुझे गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर दी ठीक है सर्विस हाउस होल्ड कहता है कोई दिक्कत नहीं बनाकर दी भाई जो भी, आ, जो भी भी हम चीजें यूज कर रहे हैं टूथपेस्ट चीनी चावल फर्म से बनकर आया है चाहे खेती की चीजें हो फर्म से वो रिफाइन करके हो तो हाउस होल्ड कहता है दिया है लेकिन तूने भी कोई एहसान नहीं किया बदले में मैंने तुझे पेमेंट की है हाउस होल्ड कोई भी सामान खरीदता है फर्म से तो उसके बदले पेमेंट करता है ना इस पेमेंट को हाउस होल्ड स्पेंडिंग भी बोलते हैं आप आप दोस्तों इस चैप्टर में जो मैं एच वर्ड लिख रहा हूं आप इसको इसको कंप्लीट लिखना लिखना फर्म ये डायग्राम है सर्कुलर फ्लो अब कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट जरूर होगा कि फर्म को इधर और हाउस होल्ड को उधर ही लिखना जरूरी है इधर उधर नहीं कर सकते भाई जहां मर्जी कर सकते हो बस एरोज का ध्यान रखना और कुछ कहते हैं कि ये एरोज ही बनाने हैं हम

इसको ही सर्कुलर फ्लो बोलते हैं इकोनॉमी के अंदर ये मूवमेंट चलता रहे तो वो सर्कुलर फ्लो होता है अब इस में मैं दो टुकड़े कर सकता हूं यहाँ पर कुल मिला के अब इन में मैं एक चेंजेस ला रहा हूं चेंजेस क्या ला रहा हूं यहां पर देखो दोस्तों इधर लिखा हाउस होल्ड सेक्टर इधर लिखा फर्म सेक्टर इधर लिखा हाउस होल्ड सेक्टर इधर लिखा फर्म सेक्टर

तो दोस्तों मैं मनी वाला ट्रांजेक्शन अलग कर रहा हूं और विदाउट मनी वाला ट्रांजेक्शन अलग कर रहा हूं इन चारों ट्रांजेक्शन चार ट्रांजेक्शन दो एक साथ और दो एक साथ ठीक है, दी है।, तो दी है पूरा ही लिखना आप लोग यहां पर ये अप, मनी नहीं है ये सामान है हाउस होल्ड कहता है मैंने तुझे उसके बदले में उसकी पेमेंट दे दी ठीक है तो हाउस होल्ड की स्पेंडिंग हो गई है स्पेंडिंग लिख दो यानी खर्चा या फिर पेमेंट लिख दो कोई दिक्कत नहीं है तो दोस्तों मैंने क्या किया है पर ये सर्कुलर फ्लो के डायग्राम के दो टुकड़े कर दिए एक टुकड़े के अंदर वो हिस्सा है मनी फ्लो तो और जहां पर पैसे बीच में नहीं आ रहे इसको बोलते हैं दोस्तों रियल फ्लो रियल फ्लो या फिर फिजिकल फ्लो और यहां पर मनी फ्लो या फिर नॉमिनल फ्लो नॉमिनल फ्लो भी लिखा आता है

एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन यानी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस भी हो रहा है तो गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जा रही है तो वो तीन तीन एंगल दिखाई देते हैं हैं उसके अंदर उस बेसिस पे लिखा ही है कि फेज होते है। और सच बताऊं तो इसी बेसिस पे पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीन मेथड्स भी होते होते हैं हैं इसी बेसिस होते है। फिर उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है जब भी पेपर में आएगा आपको पहले मीनिंग फिर फेजेस और फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा वो सर्कुलर फ्लो का डायग्राम के बाद ही एक्सप्लेनेशन लिखी होगी इसमें सिंपल वही लिखा है इनिशियली हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू द फर्म सेक्टर और बदले में फर्म सेक्टर देती है, पेमेंट। और फिर लिखा है फर्म सेक्टर गुड्स एंड सेक्टर को और इन बदले में सेक्टर पेमेंट दे देता है फर्म सेक्टर को। सिंपल जो बोला था वो लिखा है कोई फालतू की हवाबाजी नहीं कर रखी इसके अंदर जैसा बोलता हूं वो लैंग्वेज यूज कर दी है आप स्क्रीन शॉट लेकर खुद पढ़ने शुरू करोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा मैं ऐसा काम नहीं करता कि मैंने बोला कुछ और है और यहां लिख के कुछ और दे रहा हूं जो बोलूंगा वही लिखूंगा आसान सिंपल भाषा के नोट्स तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूं और गाइस ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई बुक बुक का ऐसा फंडा है कि तुम बोलोगे सर कौन सी बुक से पढ़ा रहे हो वो कोई चक्कर नहीं है ठीक है सारी बुक का बिल्कुल मिश्रित कॉन्टेंट है और जो अच्छी क्वालिटी है वो आपको मिल रही है तो ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए तो फिर दोस्तों लिखिए डेफिनेशन रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो की बिल्कुल इजी भाषा में इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इन एन इकॉनॉमी एंड इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इन एन इकॉनमी तो ये दोनों के दोनों कंप्लीट होते हैं यहां पर दोनों के डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे मैंने पहले आपको बना के दिखा दिए अब इसी के साथ इतना बोलते बोलते थोड़ा सा एक पानी की घूट पीना चाहूंगा आप लोग भी पी सकते हो और आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूंगा अगर आपको लग रहा है कि आपके लव सर मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए और अच्छा कंटेंट मैं आपको लाकर दे रहा हूं तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो अभी के अभी कमेंट कर दो अपने फ्रेंड्स वगैरह से शेयर कर दो और इस चैनल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन से आप वंचित ना रह जाओ आपको हर एक चीज प्रोवाइड की जाएगी अभी तो आप टर्म टू की प्रिपरेशन प्रिपरेशन कर रहे हो इसके बाद आपको CUT की कराने का भी पूरा पूरा प्रावधान किया जाएगा अगर आप साथ में ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ोगे तो हम ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स करने लगेंगे तो दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो ठीक है जी आगे बढ़ते हैं स्टॉक वेरिएबल्स और फ्लो वेरिएबल्स नाम का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कहते हैं इकोनॉमिक्स में जितने भी कॉन्सेप्ट है जितने भी कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो स्पेशली यहां पर तुम नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ रहे हो जिसके अंदर एनडीपी जीडीपी जीएनपी एट एससी एट एम पी बहुत सारे पढ़ते हो मनी एंड बैंकिंग पढ़ लिया है गवर्नमेंट बजट पढ़ लिया है बीओपी पढ़ लिया करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ठीक है उन सभी कॉन्सेप्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे एक सेकेंड भाई नाक भी आ रही है गां हाँ। तो दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे एक होते हैं स्टॉक वेरिएबल्स या फिर स्टॉक कॉन्सेप्ट और एक होते हैं फ्लो वेरिएबल्स यानी फ्लो कॉन्सेप्ट कहने का मतलब यह है कितनी भी चीजें हो इसके अंदर इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में में मैक्रो कुछ चीजों को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कैलकुलेट किया जा सकता है यह जो लैंग्वेज बोल रहा हूं इसको जस्टिफाई करके बताऊंगा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं यानी मेजर कर सकते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कोई यूनिक या स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम से है जैसे कि मैं टाइम मेंशन कर दूं चार बजे फोर ओ क्लॉक या कोई डे मेंशन कर दू संडे या कोई डेट मेंशन कर दू लाइक इकतीस मार्च 2022, ऐसे कुछ मेंशन कर दू तो ये मेंशन किया हुआ टाइम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है ठीक है और जब मैं बोलू कभी बात करूं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या फिर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम तो इसमें कभी भी बात नहीं हो रही किसी स्पेशल पॉइंट की तो देखो जैसे कि मैं बोलता हूं एक महीने के अंदर एक महीने के अंदर कुछ काम कर कर दिखाऊंगा तो मैंने यहां पर कोई डेट या टाइम मेंशन नहीं किया डे भी मेंशन नहीं किया तो वन मंथ वन ईयर वन वीक होल डे यहां पर डेट टाइम मेंशन नहीं कर रहा ये सब चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाती है तो दोस्तों इकोनॉमिक्स में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट जिसकी कैलकुलेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे की जा सकती है उसको स्टॉक वेरिएबल बोलते हैं और ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट जिसकी कैलकुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है उसको फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो देखो जिस जिस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन के लास्ट में ये लिखा होता है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम वो सारे फ्लो हो जाएंगे नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम जीडीपी गवर्नमेंट बजट बीओपी उन सबके डेफिनेशन के लास्ट में ये लिखा होता है तो ये सब के सब फ्लो कॉन्सेप्ट है स्टॉक कॉन्सेप्ट की बात करें तो जिसकी डेफिनेशन के लास्ट में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आप इस्तेमाल करते हो जैसे कि मनी सप्लाई की डेफिनेशन के लास्ट में इस्तेमाल करते हो Uh, तो वो सब आपके पास स्टॉक कॉन्सेप्ट है और अच्छा एग्जाम्पल लो अपने कैमरे से फोन के कैमरे से फोटो खींचो तो वो फोटो खींचना स्नैपशॉट है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट ठीक है ठीके? लेकिन अगर तुम उससे एक वीडियो बनाओगे तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बन रही है है ठीक आप ये नहीं बोल सकते चार बज के चार मिनट पे वीडियो बनी या चार बजे वीडियो बनी वो एक ड्यूरेशन लेती है एक मिनट दो मिनट चार मिनट पांच मिनट ऐसी ड्यूरेशन लेती है तो उसकी कैलकुलेशन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम होती है तो वीडियो अपने आप में एक फ्लो कॉन्सेप्ट है और एक फोन से ली गई फोटो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है जैसे बोलू टंकी से पानी बह रहा है तो पानी बहता बहता वो चीज फ्लो है ठीक है टंकी के अंदर एक स्टिल वाटर है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने लीटर है वो पांच लीटर दस लीटर पंद्रह लीटर तो ठहरा हुआ पानी टंकी के अंदर वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है ये तो रही बिना इकोनॉमिक्स की बातें अब इकोनॉमिक्स की बातों में आप बैलेंस शीट वैसे कॉमर्स वालों के पास होती है अकाउंटेंसी के अंदर सीखते हैं देखो बैलेंस शीट के ऊपर डेट मेंशन होती है एज ऑन थर्टी मार्च दो ऐसे लिखा होता है तो बैलेंस शीट अपने आप में एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर बनाया जाता है उसके लिए कोई डेट नहीं होती तो प्रॉफिट लॉस वो सब चीजें फ्लो कॉन्सेप्ट है हम इनकम अर्न करते हैं फ्लो है सेविंग्स फ्लो है है एक्सपेंडिचर फ्लो ठीक ना तो कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है जीडीपी एमपी निकालते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू उसके चार है सी आई जी एन एक्स वो सारे फ्लो है ठीक है जी तो स्टॉक और फ्लो के बीच में डिफरेंस आ सकता है दोस्तों ये डिफरेंस लिखा हुआ है ठीक है चार पॉइंट बना रखे हैं आप कोई भी तीन पॉइंट याद कर लो और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि फ्लो वेरिएबल्स का कोई टाइम डायमेंशन होता है और यहां पर इसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता इस बात को ध्यान रखना है ये जनरली स्टैटिक इन नेचर होते हैं फोटो खींच स्टैटिक हो गई उसमें कोई चेंजेस नहीं होते और ये डायनामिक होते हैं यानी वीडियो तो बदलती जा रही है ये कुछ एग्जांपल लिखे स्टॉक वेरिएबल्स के मैं नहीं पढ़वाऊंगा आपका काम है ये कुछ एग्जाम्पल लिखे फ्लो वेरिएबल्स के मैं नहीं पढ़वाऊंगा आपका काम है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी के अंदर जब तक एग्जाम्पल नोट नहीं करोगे ना तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मैं पानी पी लू अच्छा एक चीज पढ़वानी मुझे पड़ेगी यहां पर ठीक है जैसे स्टॉक की बात करें तो ये ओपनिंग uh, स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है लेकिन चेंज इन स्टॉक यहां लिखा होगा ठीक uh, है वो आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है लेकिन चेंज इन मनी सप्लाई फ्लो कॉन्सेप्ट है दोस्तों तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम्पल दे देगा आपको तो पूछेगा आइडेंटिफाई करो कि कौन सा स्टॉक है और कौन सा फ्लो है उसका रीजन देना होगा रीजन देना आसान काम है मान लो एग्जाम्पल में आप मनी सप्लाई को बोल रहे हो कि ये स्टॉक किन्सेप्ट है तो रीजन दोगे बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और इसके पीछे रीजन देना है तो कोई भी चीज पिक कर लो लाइक like जीएनपी Concept है बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग ऑफ टाइम या फिर ओवर अ पीरियड सबके पीछे वो ही लगा दो आंसर जाएगा जाएगा आपका इजी काम हो जाएगा. अब बारी है दोस्तों मैंने बताया को करने के तीन तीन होते हैं तो उन तीन की में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं यानी उन तीनों मेथड्स को एक्सप्लेन करके दिखाओ अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो तुम क्या करोगे तीन है एक एडेड मेथड है एक इनकम मेथड है एक एक्सपेंडिचर मेथड है वो न्यूमेरिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको भली बाती से अच्छे तरीके से बता दिया। लेकिन अभी इसको कैसे करना है, है। तो कि डिवाइड किया जाता है प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिसरी पहला स्टेप तीनों का यही है तीनों मेथड का दूसरे से उस मेथड के हिसाब से चलेंगे जैसा मेथड है उसमें क्या कैलकुलेशन होती थी जैसे कि मैं आपको बताऊं तो वैल्यू एडेड मेथड के अंदर

फिर उसके अंदर वही ऑपरेशन लगा के नेशनल इनकम आती थी तो ये चारों मेथड एक्सप्लेन करने हैं देखो सबसे पहले वैल्यू एडेड या आउटपुट मेथड के थ्रू नेशनल इनकम की कैलकुलेशन है स्टेप नंबर वन पहले क्लासिफाई करो ये क्लासिली लिखा है यहां पर है एफ मिस्टेक हो गया तो क्लासिफाई द इकॉनमी इन टू प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर तीनों में कर दिया फिर तीनों सेक्टर का दोस्तों जीवीए एमपी कैलकुलेट कर लो जिसको वैल्यू एडेड बोलते हैं ठीक है जी ये कैसे कैलकुलेट होता है फॉर्मुला लिख दिया ये रहा फिर सारे के सारे जीवीएमपी को एड कर दो आपस में ये लिखा एड कर दो तो मिल जाएगा जी डी पी एम पी स्टेप नंबर थ्री है क्या करना है GDPMP में से एनआईटी माइनस डेप्रीशिएशन माइनस और एन एफ आई ए माइनस कर दो ऐसे एनएफआई माइनस नहीं होगी एन एफ आई प्लस होगी यहां पर ठीक है प्लस कर दो तो जो वैल्यू आएगी वो नेशनल इनकम की आ जाएगी और यही भाषा यहां पर लिखी है कि क्या सब्ट्रैक्ट करना है और क्या चीज ऐड करनी है ठीक है ना तो ये चार स्टेप्स हैं चार नंबर का क्वेश्चन बन जाना चाहिए इससे चार नंबर का लेकिन इस बार आएगा नहीं पांच वाले क्वेश्चन में इसका कुछ हिस्सा हो सकता है ठीक है दो नंबर में भी दे सकता है भाई कुछ भी कर सकता है आगे देखो दोस्तों अगर इनकम मेथड से आ, पूछ लिया कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं तो स्टेप नंबर वन अपना वही आएगा इकोनॉमी को तीन सेक्टर के अंदर डिवाइड करना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्टेप नंबर टू आएगा वी विल कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम बाय एडिंग थ्री एलिमेंट्स तीनों एलिमेंट के बारे में बताना है सीओ ऑपरेटिंग सरप्लस और माइस और थर्ड स्टेप बन जाएगा इस एनडीपीएफ में ये जो निकाला था इसके अंदर एनएफआई ऐड करेंगे और हमें मिल जाएगी नेशनल इनकम बस ऐसे ही करना है ठीक है जी एक्सपेंडिचर मेथड की एक्सप्लेनेशन अगर आ गई अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा एक बारी स्क्रीनशॉट ले लो क्या कहना ठीक है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा चलो जी एक्सपेंडिचर मेथड की कैलकुलेशन पे आते हैं पहला स्टेप वही है कि डिवाइड कि दोस्तों चार चीजों का टोटल होता है सी आई जी एन एक्स रिपीट कर दू सी होता है प्राइवेट फाइनल कंजन एक्सपेंडिचर आई होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और इसको प्यार से आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ मिलेगा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन

जो चीजें ऐड नहीं होंगी वो यहां लिखेंगे फिर नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का अंतर भी बताऊंगा और दोनों की अलग अलग ट्रीटमेंट होती है वो भी बताऊंगा अभी सबके लिए किसी भी चीज में ऐड होगा या नहीं होगा उसकी बात कर रहे हैं जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया आपको यानी यहां पर पुरानी यादें ताजा करनी पड़ेंगी आ, पिंक कर लिया पेन का कलर फैक्टर इनकम जितनी भी होगी वो नेशनल इनकम में ऐड होती है ट्रांसफर इनकम जितनी भी होगी वो ऐड नहीं होती

नेशनल इनकम में कहीं पर भी देखते ही नहीं ना तो इस पर जो खर्चा करते हैं उसको ना इससे जो इनकम होती है उसको ना सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को तो ऐसा कुछ नहीं होता अब इसके बाद कुछ फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब दोस्तों शेयर डिबेंचर और बोन्ड्स है कंपनी के तो उसकी जो भी खरीद फरोख्त तो होती है वो नेशनल इनकम में ऐड कभी नहीं होती क्योंकि वो सिर्फ एक मालिकाना हक बदलवा रहे मान लो एक शेयर है और मैंने शेयर किसी और को बेच दिया तो बेचने के बदले पैसे लिए तो ऐसा कहा जाता है कि उससे पैसे मेरे पास वो ट्रांसफर हो गए इस चीज का वो मालिक बन गया तो इससे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी या पैसों की जनरेशन नहीं हुई तो इसको बोलते हैं इट इज जस्ट आ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप टाइटल दैट इज वाई इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बट देर इज अ मेन पॉइंट एंड द पॉइंट इज दैट कि जब भी खरीद फरोख्त होती है शेयर डिवेंचर बोड्स की बीच में आते हैं ब्रोकर जी तो जो ब्रोकर अपनी कमीशन लेगा उसको ब्रोकरेज बोलते हैं या ब्रोकर फीस बोलते हैं ये नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में ऐड होगी और इसको हम फैक्टर इनकम की कैटेगरी में डालेंगे क्या कह रहे हो बहुत ज्यादा ही हो गया सर फटाफट फटाफट -फटा कराए जा रहे हो एग्जाम्पल तो बताओ एग्जाम्पलोटरचर की लिस्ट लिस्ट दे है आपको ये सारी इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर की है। तसल्ली से वीडियो को पोज करके आपको पढ़नी है इनमें से कोई भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा अगर कोई ऐड हो गया तो नेशनल इनकम की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी इसलिए ऐड नहीं होगा और ये यही वो चीजें इसमें से ही पेपर में आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है पास्ट ईयर की पुरानी सारी चीजें इकट्ठी कर रखी है आप लोगों के लिए ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं होंगे डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं होंगे जीडीपी एनडीपी किसी में ऐड नहीं होंगे अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लो ठीक है जी अब आ जाएंगे फाइनल एक्सपेंडिचर पे ये उनके एग्जाम्पल है बहुत सारे ये सब ऐड होंगे ठीक है ना पढ़ना आपका काम है पढ़ना आपका काम है और अगर आपको इसमें से या इसमें से कोई भी डाउट लग रहा है इन दोनों में से आप मुझे पर्टिकुलर उस एग्जाम्पल को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये सर इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर या फिर फाइनल एक्सपेंडिचर कैसे है मैं वहीं की वहीं आपकी कमेंट को बढ़ के उसका जवाब 100 परसेंट दूंगा और आपको तर्क दूंगा कि ऐसा क्यों है ठीक है जी चलो जी फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं शुड बी इंक्लूडेड लिख दो या इट इज टू बी इंक्लूडेड उसके एग्जाम्पल ये सारे दिए हुए हैं आपको डाउट है तो कॉमेंट में बताओ आपको वीडियो पोस्ट करनी है और अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है यार खुद के बनाए हुए नोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पता नहीं कौन सी किताब में कहां से तुम्हें नोट्स बने बनाए मिल जाए वो तो सबके पास होते हैं कहीं ना कहीं से ऑनलाइन गूगल वूगल सर्च करके डाउनलोड कर लेते हो खुद के नोट सबसे ज्यादा बेटर होते हैं ये आसान भाषा में सारी चीजें लिखी है वीडियो को पोस्ट करके अपनी कॉपी में नोट करो और तुम बारहवीं क्लास के स्टूडेंट हो सबसे क्रूशियल और क्रिटिकल क्लास है तुम्हारे करियर के लिए ठीक है जी आगे आ जाओ जी स्पेशल केस ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं ये पहले समझाऊंगा फिर बाद में नोट करने की बात करूंगा हम इंटरेस्ट क्यों देते हैं क्योंकि ब्याज पे पैसा लिया है लोन लेते हैं कैपिटल लेते हैं तभी तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अब पता है क्या लोन लेने का पर्पज क्या है हमारा हम लोन इसलिए ले रहे हैं कि कोई बिजनेस खोलेंगे को उससे प्रोडक्शन करेंगे और पैसा कमाएंगे या फिर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन ले रहे हैं दोस्तों अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन हाउस होल्ड यानी पब्लिक लेता है फ्रेंड हो गया कोई स्टूडेंट हो गया या पड़ोसी हो गए या पैसेंजर हो गया ये सब हाउस होल्ड का हिस्सा है ठीक है पब्लिक ही है नॉर्मल अगर मैं बात करूं फर्म की बैंक की इंडस्ट्री की किसी कंपनी की ये लोग लोन लेते हैं पैसे से पैसा बनाने के लिए और कमाने के लिए तो लोन लेने के दो पर्पज होते हैं या तो वो कंजम्पशन कंजम्शन के लिए लिया गया होगा या वो प्रोडक्शन के लिए लिया गया होगा अगर लोन कंजम्पशन परपज के लिए लिया गया है तो उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे कर दो वो इंटरेस्ट नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा उसको ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट माना जाता है ट्रांसफर इनकम उसके लिए जिसको मिली है और जिसने दिया है उसके लिए ट्रांसफर पेमेंट ठीक है अगर प्रोडक्शन पर्पज के लिए लोन लिया गया होगा तो वो फैक्टर इनकम माना गया है उसको नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम जो भी हो हर चीज की कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाएगा ठीक है जी ये पॉइंट टू नोटेड है है बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट का अकेला केस पूरे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ सकता है उसके अंदर अलग अलग वैरायटी आएगी अब बात रहे गवर्नमेंट की गवर्नमेंट की कंपनीज लोन लेती है पीएसयू तो वो प्रोडक्शन पर्पज के लिए फैक्टर इनकम में इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो एड होगा लेकिन जब बात लिखी है जनरल गवर्नमेंट की तो जो जनरल गवर्नमेंट लोन लेती है तो उसके बदले इंटरेस्ट पे करती है तो वो हाउस होल्ड की कैटेगरी में ऐसा ही वैसा कुछ काउंट होगा मतलब नेशनल इनकम में एड नहीं होगा और जो वो इंटरेस्ट पे करती है उसको बोलते हैं नेशनल डेट इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानना स्पेशल केस है तो याद रहना चाहिए तो लिखा है साफ नोट कर लो कि इंटरेस्ट को जनरली एक फैक्टर इनकम कंसीडर किया जाता है बट यहां पर इंटरेस्ट के सारे राज खोल दिए गए हैं अगर तुमने लोन कंजम्पशन पर्पज के लिए लिया गया है तो इसको जो इंटरेस्ट पे करोगे ट्रांसफर पेमेंट माना जाएगा जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय हाउस होल्ड या फ्रेंड या कार लोन ले लिया फ्रेंड को दे रहे हो नेशनल डेट इंटरेस्ट या फ्रेंड से फ्रेंड इंटरेस्ट लिख दिया मतलब फ्रेंड ने भी कोई लोन दिया था लैंग्वेज अपने हिसाब से सुधार लिए ठीक है तो ये नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के अंदर यह वाली चीजें ऐड नहीं होती अगर लोन प्रोडक्शन पर्पज के लिए लिया गया है जैसे कि लोन लेते हैं बैंक भी लेते हैं तो बैंक हमें या कोई फर्म या कंपनी कोई भी चीज़ इंडिविजुअल हमें लोन हमसे लोन ले लेता है और हमें पैसे देते हैं हम अपना पैसा जमा कराते हैं बैंक के अंदर बैंक उस पैसे से पैसा ही तो कमाता है तो बैंक हमें इंटरेस्ट पे करता है तो वो इंटरेस्ट एक फैक्टर इनकम है तो वो नेशनल इनकम में होती है ऐसी दोस्तों लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कोई कंपनी हमसे लोन लेती है है तो हमें उसका सबूत देती है, तेरे से मैंने लोन लिया है वो सबूत जो होता है ये कागज या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कुछ भी वो डिवेंचर होता है ठीक है ना तो ये वाली चीजें ऐड होंगी ये वाली चीजें ऐड नहीं होंगी अगला स्पेशल केस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स मैंने आपको पहले समझा दिया शेयर डिवेंचर बोड्स को ये बोलते हैं

आपने वीडियो पोस्ट करके अपनी कॉपी में जरूर नोट करना है इफ यू वॉन्ट टू स्कोर हाइएस्ट मार्क्स ठीक है जी आगे आ जाओ अब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं ठीक है ना अब कॉन्सेप्ट है दोस्तों रेजिडेंट ऑफ़ अ कंट्री क्योंकि आपकी बुक के अंदर लिखा है तो इसलिए बताऊंगा अभी इसको। पानी भी पीना पड़ता है बीच बीच में ठीक है रेजिडेंट कोई इंसान भी हो सकता है कोई कंपनी भी हो सकती है रेजिडेंट वो बंदा होता है पहले तो लोकल भाषा में बात कर लो वो बंदा होता है जो उस देश में पैसे खर्चे जिस देश में वो रहता है कहानी कहा खत्म पैसा खर्चते हो जिस देश में उस देश का फायदा होता है जिस देश से पैसे कमा रहे हो उसका फायदा नहीं होता जैसे कि कुछ लोग नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करके डेली इंडिया के अंदर एंट्री करते हैं और फैक्ट्री या कंपनी के अंदर काम करके शाम को अपने घर चले जाते हैं मतलब इंडिया और नेपाल का बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों के बारे में बात कर रहा हूं तो जो लोग नेपाल से इंडिया में आकर पैसे कमा के चले जाते हैं वो इंडिया के रेजिडेंट नहीं है वो नेपाल के हैं क्योंकि वो नेपाल में खर्चा करते हैं जिस देश में हम खर्चा करते हैं तो बोलते हैं उस देश में हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट शामिल है तो गाइस रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री वो इंडिविजुअल होता है कोई भी इंडिविजुअल चाहे कंपनी है फर्म है या इंसान है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट या सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज विद इन द कंट्री वेयर ही लिव्स सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं यहां पर तो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आप में ठीक है जी अगर मैं बात करूं वर्कर्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर्स तो वो उस कंट्री के रेजिडेंट है जहां से वो आए हैं जहां वो काम कर रहे हैं वहां के नहीं है जो फ्लाइट के अंदर क्रू मेंबर्स होते हैं वो पता नहीं कौन सी कंट्री के अंदर पैसा खर्च रहे डेली नौकरी उनके हिसाब से चल रही है वो किसी भी कंट्री के रेजिडेंट नहीं होते तो इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो वो इंडिया के लिए ही काम करता है जो भी पैसा फॉरेन कंट्री से भी कमा कर लाता है वो इंडिया के अंदर इस्तेमाल करता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का रेजिडेंट है पैप्सी और कोका कोला जैसी कंपनी अमेरिका की रेजिडेंट है क्योंकि वो अमेरिका में उनका हेडक्वार्टर है यहां से जो भी प्रॉफिट कमा कर ले जाएगी वो अमेरिका जाएगा ठीक है ना और कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई जैसे वर्ल्ड बैंक आई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों ये किसी भी कंट्री की रेजिडेंट नहीं होती क्योंकि इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हर कंट्री के लिए होता है तो हम बोलते हैं ये इंटरनेशनल इकोनॉमी का पार्ट है आपको यहां पता होने चाहिए ठीक है ना आगे कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक बाउंड्री का डोमेस्टिक बाउंड्री हम मानते हैं कि हमारा बॉर्डर है मान लो ये कोई कंट्री है ठीक है इस कंट्री के चारों तरफ ये जो सर्कल कर दिया इसको है इसको लोग बेसिकली डोमेस्टिक बाउंड्री मानते हैं एक्चुअली क्या है इसके अलावा बहुत कुछ डोमेस्टिक बाउंड्री होता है इंडिया की अगर बात कर लो तो मेरी ड्राइंग बहुत खराब है यार लेकिन मैं कुछ करने की कोशिश करूंगा ऐसा इंडिया का डायग्राम माफ करना मुझे कुछ गलती हो जाए तो ठीक है इसमें मैंने सब कुछ घेर लिया चाइना पाइना सब कुछ घेर लिया इंडिया के अंदर तो देखो इंडिया के पास नीचे ये ओशियन वाला इलाका है यहां से इंडिया बिजनेस करता है बिजनेस क्या करता है माइनिंग वगैरह होती है फिशरीज वगैरह होती है समुद्र से बहुत सारे खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं ठीक है थीके? होते है काम में तो ये इंडियन ओशियन है ये इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री है ये बॉर्डर तो है ही है ये वाटर टेरिटरी भी इंडिया के पास है इसके साथ साथ अगर किसी दूसरे देश का जहाज इंडिया में एंटर करता है तो वह हवा में बाउंड्री बना रखी है इंडिया ने पता लग जाता है कि कौन सी कंट्री का जहाज हमारे देश में एंट्री कर गया लड़ाकू विमान हो चाहे कोई दूसरा विमान हो तो हमने वेव्स या रेडियशंस के थ्रू बाउंड्री बना रखी है तो अपने पास एक एयर बाउंड्री भी है वहां पर भी बिजनेस चलते हैं आप लोग फोन पे एक दूसरे से बात करते हो कैसे बात करते हो वो वेव्स ट्रेवल कर रही है ना उससे बात हो रही है वो ठीक है तो वहां पर भी बिजनेस चलते हैं तो हमारे पास हमारी जोग्राफिकल बाउंड्री होती है जिसको लैंड बाउंड्री या बॉर्डर बोलते हो एक वाटर बाउंड्री होती है और एक एयर बाउंड्री होती है ये सब डोमेस्टिक बाउंड्री का हिस्सा है इसमें एक चीज और शामिल है वो देखना जरा क्या शामिल है देखो ये इंडिया अब मान लिया गया ये मान लो अमेरिका की बात हो रही है तो यार इन दोनों देशों के बीच में संबंध होते हैं संबंध हमें भी अमेरिका जाना पड़ सकता है और अमेरिकन भी इंडिया में आते हैं तो इसके लिए इन सब लोगों का काम आसान करने के लिए अमेरिका ने बोला एक ऑफिस इंडिया में बनाते हैं जिसमें अमेरिका के बंदे बैठे होंगे और इतना ही बड़ा ऑफिस अमेरिका को मिलता है जिसमें इंडिया के बंदे बैठे होंगे और दोस्तों इस ऑफिस को बोलते हैं एम्बेसी तो इंडिया में दूसरे देशों की एंबेसी मिलेगी और दूसरे देशों में इंडिया की एंबेसी मिलेगी अब जितना हिस्सा अमेरिका ने यहां ले रखा है इंडिया में ये इंडिया का हिस्सा नहीं है ये अमेरिका का हिस्सा हो गया अब जितना हिस्सा अमेरिका में इंडिया ने ले रखा है ये इंडिया का हिस्सा हो गया यानी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी हो गई अगर डोमेस्टिक बाउंड्री या टेरिटरी की बात करें तो उसमें वाटर बाउंड्री एयर बाउंड्री लैंड यानी ज्योग्राफिकल बाउंड्री प्लस एम्बेसी भी आ गई दूसरे देश में किसी भी देश में इंडियन एम्बेसी है तो वो इंडिया है मान लो एयरलिफ्ट अक्षय कुमार की एक पिक्चर आई थी उसके अंदर किसी अरेबियन कंट्री के अंदर युद्ध हो गया था मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा उसके अंदर इंडियंस बंदे थे जब उसके अंदर अटैक हो रहा था तो वो सारे इंडियन बंदे इंडियन एम्बेसी के पास भगते हैं क्योंकि इंडियन एम्बेसी इंडिया को माना जाता है वो इंडिया की बाउंड्री है अगर उस एम्बेसी पर अटैक हो गया तो इसका मतलब इंडिया पर अटैक हुआ फिर इंडिया नहीं छोड़ेगा किसी को भी समझ रहे हो तो एम्बेसी पे लोग अटैक इसलिए नहीं करते क्योंकि वो उसके देश का हिस्सा नहीं है अभी दिल्ली के अंदर मैं रहता हूं तो मुझे पता है बहुत सारी एम्बेसीज यहां पर है तो वो सब एम्बेसी एक तरीके से उसी देश की ज्योग्राफिकल टेरिटरी है जिस देश का उस एम्बेसी पे नाम लिखा है क्योंकि उतना ही हिस्सा उस देश ने भी हमें अपनी कंट्री में दिया हुआ है समझ रहे हो एक्सचेंज है एक तरीके का ओके गाइस तो मैं यहां पर आपको ये क्यों बता रहा हूं क्योंकि हम कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए आपको बताता हूं दो हिस्से हुए यहां पर डोमेस्टिक वाली चीजें अलग है और नेशनल वाली चीजें अब अलग कर दी अभी तक जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सब डोमेस्टिक और नेशनल दोनों के लिए थे दोस्तों ये एनडीपी या जीडीपी में कुछ भी एड और लेस करने के लिए आया तो कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है एनएनपी या जीएनपी में कुछ भी एड और लेस करने के लिए आया तो कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है एड और लेस करने का मतलब कुछ लाइन लिखी होगी जैसे लिखी है और पूछेगा आपसे क्या ये नेशनल इनकम में एड होगी आप बताओगे या ना बाय गिविंग रीजन रीजन नहीं दिया तो नंबर कट जाएंगे तो रीजन में आपको समझाऊंगा देखो नेशनल इनकम की पहले बात कर लू तो नेशनल इनकम वो इनकम है जो एक देश के रेजिडेंट्स ने कमाई है रेजिडेंट मतलब जो उस देश में इकोनॉमिक पार्टिसिपेट करते हैं अब ये लोग अपनी कंट्री में भी रहते हैं और दूसरी कंट्री से भी पैसा कमा कर लाते हैं मानो इन बंदों ने दस रुपए अपने देश में कमाए दो रुपए विदेशों से कमाएटल तो रेजिडेंट के द्वारा ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम अब डोमेस्टिक इनकम की बात कर ले तो एक देश के अंदर जितना भी पैसा कमाया गया हो वो सब डोमेस्टिक इनकम है अब ये पैसा इंडियंस ने कमाया है या फॉरनर्स ने कमाया है वो बात दूसरी है कोई दिक्कत नहीं है जो पैसा कमाया जा रहा है धड़ाधड़ वो सब डोमेस्टिक इनकम है तो जब भी क्वेश्चन आएगा मान लो एक लाइन है मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा कि वो डोमेस्टिक इनकम में एड होगी या लेस होगी या नेशनल इनकम में एड होगी या लेस होगी आपको पहले एक फॉर्मूला बता दूं जब भी ऐसी चीजें आएंगी ना डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम से रिलेटेड तो डोमेस्टिक इनकम में आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री अगर हमारे देश की बाउंड्री के अंदर वो काम हुआ होगा तो इनमें ऐड होगा वरना नहीं होगा और यहां देखना बंदा इंडिविजुअल अगर वो इंडियन होगा तो हमारे देश की नेशनल इनकम में एड होगा वरना नहीं होगा तो देर इज अ फॉर्मूला इन केस ऑफ डोमेस्टिक सी द प्लेस ओनली जगह देखो सिर्फ प्लेस एंड इन केस ऑफ नेशनल सी द पर्सन ओनली बंदा देखो सिर्फ तो लाइन जो है मैं उसका आ, पूरा निचोड़ आपको बता रहा हूं देखो क्या लिखा है लाइन के अंदर पेन का कलर समझ नहीं आ रहा कौन सा ले लिया जाए ये ले लिया जाए हरे रंग का ठीक है जी यहां लिखा है प्रॉफिट अर्न बाय अ ब्रांच ऑफ अमेरिकन बैंक इन इंडिया अब मैं बोलूं कि नेशनल इनकम के अंदर इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे तो आपको पहले बता दिया नेशनल इनकम के अंदर सीधा पर्सन ओनली का फॉर्मूला है अगर डोमेस्टिक इनकम की बात है तो सीधा प्लेस ओनली का फॉर्मूला है दोस्तों। जी? तो अमेरिका कि तो का बैंक तो अमेरिकन रेजिडेंट है तो इन दैट केस इट शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ अमेरिका लेकिन हम तो अमेरिका की बात ही नहीं कर रहे तो इट पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल इनकम तो इनकम के अंदर ये नहीं होगा एन के आगे मैंने लगा दिया। ठीक है? लेकिन ये में -फट करते हुए, में मुझे आपको ये सिखाना है और आपको कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना है लास्ट के दो पॉइंट ये दो पॉइंट दो आप बताओगे बताओ ऐड होंगे नेशनल इनकम में या नहीं तो लिखा है सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन वर्कर्स वर्कर्स लिखा है इन रशियन एम्बेसी इन न्यू डेली भाई रशियन एंबेसी है चाहे दिल्ली में चेन्नई में मुंबई में कलकत्ता में कहीं पे भी हो रशियन एम्बेसी रशिया का पार्ट है तो इसके अंदर पैसा कमाया गया है तो इंडिया में नहीं कमाया गया तो ये डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया में इंक्लूड नहीं होगा तो सीधा प्लेस का फंडा खत्म अब देखो पैसा किसने कमाया है सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन वर्कर इंडियन वर्कर है चाहे पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने के अंदर बैठा हो इसने पैसा कमाया है तो इंडिया की नेशनल इनकम का हिस्सा होगा तो हमारा फॉर्मूला काम करेगा सीधा पर्सन ओनली तो नेशनल इनकम में नहीं होगा in तो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी पैसा कमाया जाएगा वो इंडिया का हिस्सा होगा तो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में एड होगा ठीक है ना लेकिन रशियन को मिला है तो रशियन फॉरनर है तो वो पैसा इंडिया की नेशनल इनकम में एड नहीं होगा सीधा पर्सन ओनली का फंडा यहां पर काम करेगा दोस्तों ये फोर्थ नंबर पे जो लिखा है ना ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि ये ऐड होगा या नहीं होगा ठीक है जी ये ऐड होगा या नहीं होगा मैं सामने से हट जाता हूं एक बार स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट जरूर ले लो ठीक है ना ले लो ले लो। दो मिनट बस दो मिनट के अंदर क्लास ओवर हो रही है वाली भी दो मिनट का टाइम दो ठीक है जी लास्ट वाला टॉपिक एक देखते हैं प्रिकॉशंस बच गई है प्रिकॉशंस यानी सावधानियां जब नेशनल इनकम को तीनों मेथड से कैलकुलेट किया जाता है तो कौन कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है ये जो भी कराया नेशनल इनकम में क्या एड होगा क्या नहीं होगा वो सब प्रिकॉशन ही थी बस छोटे छोटे पॉइंट लेकर यहां पर मेंशन कर दिया गया है गाइस वैल्यू एडेड मेथड में अलग से प्रिकॉशन आ सकती है कि डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू को ही लेना है सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को बिल्कुल भी नहीं लेना है जो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन होता है यानी ऑन अकाउंट प्रोडक्शन होता है इसकी वैल्यू को इंक्लूड करना है ठीक है ना यानी गेहूं बनाए खुद भी तो खाए

ट्रांसफर इनकम लाइक गिफ्ट स्कॉलरशिप इसको अवॉइड करते हैं कैपिटल यूनिट्स साथ -साथ तो दोस्तों छोटी छोटी ये आप precautions लिखी थी ये आपको ध्यान रखनी है इसी के साथ नेशनल इनकम का चैप्टर मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया कानी खत्म हो गई अगले वीडियो के अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर शुरू करेंगे जय हिंद आज वीडियो को खत्म करते हैं नमस्कार